हाय, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स ब्लेसिंग्स। मेरा नाम हीना है। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ सोयाबीन दम बिरयानी की रेसिपी। सोयाबीन दम बिरयानी बनाने के लिए हमें लगेंगे सोया मिनी चंक्स हाफ कप, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और दो कलियां लहसुन की, जिसे हमें कद्दूकस करके डालना है। तो सबसे पहले लेंगे पानी 2 कप। इसके अंदर हम लहसुन और अदरक को कद्दूकस कर लेंगे और 1/2 टीस्पून नमक डालना है। अब इस पानी को हम बॉईल कर लेंगे और बाद में इसमें सोयाबीन डाल देंगे। तो पानी में उबाल आ चुका है, सोयाबीन डाल लेंगे और एक उबाल के बाद स्लो फ्लेम पर 2 मिनट्स तक कुक करेंगे। उसके बाद गैस बंद करके 10 मिनट्स के लिए इसे गर्म पानी में सोक होने देना है। उसके बाद हम इसे निचोड़ के पानी निकाल देंगे। ये सोक होते हैं तब तक मैरिनेशन प्रिपेयर करेंगे। ये 1/2 कप दही है और अदरक है 3 छोटे टुकड़े, लहसुन की कलियां हैं नियर अबाउट 15, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, चिकन तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, हल्दी और जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और कुकिंग ऑयल लगेगा 1 टीस्पून। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट रेडी है, अब इसे हम दही में डाल लेंगे और अब सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। तंदूरी पाउडर भी डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर और सूखा धनिया और लास्ट में कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे साइड पे रख देंगे और अब हमने जो सोयाबीन सोक करने रखे थे, गर्म पानी मैंने निकाल दिया है और ठंडा पानी ऐड कर लिया है। तो ये जो सोयाबीन है उसको अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल देंगे और दोबारा से यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। वापस से एक बार ठंडा पानी ऐड कर लीजिए और निचोड़ लीजिए। अब हमने जो मैरिनेशन प्रिपेयर किया था उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये जो सोयाबीन है एकदम ड्राई, वो हम इसमें मैरिनेट कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारे सोयाबीन अच्छे से कोट होके मैरिनेट होने चाहिए। इसको हमें 1/2 आवर के लिए छोड़ देना है। उतने में हम राइस कुक कर लेंगे। इसके लिए हमें लगेंगे बासमती चावल, जो 2/3 कप मेजरिंग कप है उससे मैंने 2 कप चावल लिए हैं। इसको मैंने वॉश करके 20 मिनट्स के लिए सोक किया है और बाकी इंग्रेडिएंट्स होल गरम मसाला हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, स्टार अनीस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, घी और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर पानी उबाल लिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर डाल दिए हैं। एक उबाल आने के बाद राइस को 80% कुक करना है और बाद में इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब हम हमारे सोयाबीन कुक कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है ताकि बाद में हम बिरयानी इसी में असेंबल कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और अब सोयाबीन डाल रही हूँ। तो मैं हो सके उतने सोयाबीन ही डाल रही हूँ, दही मैं बचा रही हूँ बाद के लिए। सिर्फ सोयाबीन निकाल के डालिए। तो ये दही बच गया है, मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी। अब जो सोयाबीन है उसे हमें हाई फ्लेम पर 2 मिनट्स तक सौते करना है।
जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चला लीजिए। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम इस पे ढक्कन लगाकर स्लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए इसे कुक कर लेंगे। उबाल आ चुका है। जो ढक्कन आप यूज़ करेंगे वो ऐसा यूज़ करिए कि कढ़ाई अच्छे से कवर हो ताकि बिरयानी की स्मेल बाहर ना जाए। इस तरह से बड़ा ढक्कन और अब स्लो फ्लेम पर 15 मिनट्स। तो एक बड़ा प्याज मैंने लिया है और इसकी स्लाइस करके अब इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सोयाबीन रेडी है। अब हम हमारी बिरयानी असेंबल कर लेंगे। सोयाबीन को अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। अब हमने जो राइस कुक किया था वो हम इस पे स्प्रेड कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ हाफ़ क्वांटिटी का राइस यूज़ करना है, बाकी का हाफ हम सेकेंड लेयर में डालेंगे। तो ये राइस हो चुका है। अब जो दही हमने बचा के रखा था वो दही इस पे स्प्रेड कर लेंगे। और जो ऑनियंस फ्राई किए थे वो ऑनियंस हमें डालने हैं। तो हम अभी सिर्फ हाफ ऑनियंस ही स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से अब जो बाकी का बचा राइस है वो हम इस पे पूरा स्प्रेड कर देंगे। और अब जो बाकी बचे फ्राइड ऑनियंस हैं वो भी इस पे स्प्रिंकल कर लीजिए। और 2 टेबलस्पून घी डालना है। सॉरी व्यूवर्स, ये सीन कट हो गया है लेकिन आप घी ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद इस पे ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पर 5 मिनट्स तक कुक करना है। जब तक ये कुक होता है हम हाई फ्लेम पर एक तवा गरम कर लेंगे 10 मिनट्स के लिए। बाद में इसे गैस लो कर दीजिए और बिरयानी का वेसल शिफ्ट करके 10 मिनट्स कुक होने दीजिए। और ये बिरयानी तैयार है। सो द सोयाबीन दम बिरयानी इज़ रेडी टू सर्व। इसे आप रायता या पापड़ के साथ सर्व कर सकते हो। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।